सड़कों पर रंग बिरंगे कपड़ों में मार्च करती ये महिलाएं कोई जश्न नहीं मना रही हैं, बल्कि अपने हक की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लैटिन अमेरिकी देशों में लाखों महिलाएं सड़कों पर उतरी और अपने हक की मांग की, चाहे वो ब्राजील का रियो शहर हो या चिली की राजधानी सेंटियागो। हर जगह महिलाएं सड़कों पर उतरी और असमानता को कम करने और सबको बराबर मौका देने की मांग की। इंटरनेशनल वुमन डे पर मैक्सिको सिटी और पेरू की राजधानी लीमा में भी महिलाओं ने अपनी आवाज बुलंद की। बेशक ये प्रदर्शन कई देशों में हुए, लेकिन हर जगह मांग एक जैसी ही थी, जिनमें प्रमुख मांग थी महिलाओं की सुरक्षा और समानता की मांग। Eu, como mulher, vou continuar brigando, vou continuar na luta, como mulher, como mãe, como feminista, para que o nosso país seja um país melhor. Para todas as mães, para todas as avós, para todas as idosas trabalhadoras, para os negros, para os índios, que eu sou da Amazônia. दरअसल लैटिन अमेरिकी देशों में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा आम बात है, और पुरुषों की ओर से महिलाओं पर हुए हमलों के ज्यादातर मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती। साथ ही लैटिन अमेरिकी समाज में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कमतर आंका जाता है और महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के कम ही मौके मिलते हैं। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने विरोध करने के लिए महिला दिवस को चुना और सरकार से अपने हक की मांग की। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा था और इसकी शुरुआत साल 1908 में हुई थी, जब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकालकर नौकरी में कम घंटों की मांग की थी। इसके अलावा उनकी मांग थी कि उन्हें बेहतर वेतन दिया जाए और मतदान करने का अधिकार भी। वहीं साल 1975 में महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता उस वक्त दी गई थी जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे वार्षिक तौर पर एक थीम के साथ मनाना शुरू किया।